ये है 2024 की न्यू लॉन्च बजाज की प्लेटिना। ये बाइक कार्बोरेटर वाली है, देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कार्बोरेटर मिल जाता है। और ये FI इंजन वाली बाइक नहीं है। इस बाइक में आपको 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। और ये 2024 की न्यू लॉन्च बाइक है प्लेटिना। प्लेटिना 100cc की बाइक है। और 2024 में इस बाइक में क्या कुछ मिल जाता है और इस बाइक का प्राइस कितना है, इसको कितना ऑन रोड प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं और कितना कम से कम डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, कितना इसका EMI कॉस्ट आने वाला है, 2024 में क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, सारे सारी जानकारी आपको देने वाले। वीडियो काफी अच्छा होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ब्लैक में ग्लॉस बाजर मिलता है, यहाँ पर DRL मिलता है 35-35 वाट का। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प मिल जाता है फ्रंट में। और जो है यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर आपको देख पाते हैं, यहाँ पर हेलोजन में मिलता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल मिलता है दोनों साइड का, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको मडगार्ड इस बाइक में आपको काफी बिल्ड क्वालिटी की मिल जाती है देखने में। और इस साइड आते हैं, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 135mm का आपको मिल जाता है। नीचे आपको जो है 17 इंच इस बाइक में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर फ्रंट में आपको मिल जाता है, 2/75/17 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में आपको मिल जाता है। 130mm का आपको ड्रम ब्रेक इस बाइक में मिल जाता है। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पर कैटलेटिक साइलेंसर आप देख पा रहे हैं, 2024 की न्यू बाइक है तो यहाँ पर कैटलेटिक साइलेंसर इस बाइक में दिया गया है। और इंजन में जो है यहाँ पर बदलाव है, इंजन में आपको कार्बोरेटर वाला ये बाइक में इंजन आपको मिल जाता है। सीट कम्फर्ट काफी जबरदस्त है, देख पा रहे हैं आपको 810mm का सीट हाइट इस बाइक में मिल जाता है। काफी लंबा चौड़ा सा इस बाइक में सीट मिल जाता है। सिंगल आपको ग्रेबरेन मिल जाता है दोस्तों इस बाइक में। स्प्रिंग वाला पीछे में आपको सस्पेंशन मिल जाता है। चेन कवर फुल्ली फाइबर का यहाँ पर पूरा पैक किया गया है, यहाँ पर आपको चेन कवर मिल जाता है। पीछे में जो टायर मिलता है वो आपका 3.0017 इंच की मिल जाती है। और ये जो है 17 इंच की लेवल आती है। और जो ट्यूबलेस टायर आपको पीछे में मिल जाता है, टेल लैंप देख पा रहे हैं इस प्रकार से है। इसका इंडिकेटर यहाँ पर आपको हेलोजन में मिल जाता है। एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं इस प्रकार से है, यहाँ पर एग्जॉस्ट इस तरह से लगता है देखने में। और साइड स्टैंड इस बाइक में कट ऑफ मिल जाता है, सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाता है। DTSI वाला इंजन इस बाइक में आपको मिल जाता है दोस्तों। मीटर कंसोल देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको एनालॉग में मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, देखने में काफी खूबसूरत है दोस्तों। और अगर इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको इस बाइक में पासिंग स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम मिल जाता है, टाइट टर्न इंडिकेटर ये वाला स्विच मिलता है, यहाँ पर हॉर्न है, हॉर्न काफी लाउड है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये DRL का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन सेल्फ स्टार्ट बटन इस बाइक में मिल जाता है दोस्तों। इंजन साउंड की बात करें यहाँ प्लेटिना में तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से इसका इंजन साउंड मिल जाता है इस बाइक में। और इसका DRL जो है इस प्रकार से यहाँ पर जलता है, हेडलैम्प जो है देख पा रहे हैं, हाई बीम लो बीम मिल जाता है, स्विचेज इस प्रकार से मिल जाता है इस बाइक में। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिल जाता है देखने को, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों मिलता है। पिलियन वाला जो फुटेज है आपको काफी लंबा सा मिल जाता है, चौड़ा सा मिल जाता है इस बाइक में। और ये बाइक जो है 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और ये बाइक का जो साइड देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पिलियन वाला जो फुटेज है वो नॉन एडजस्टेबल मिल जाता है। ब्रेक रबर ब्रेक काफी बड़ा सा मिल जाता है। ये बाइक किक और सेल्फ दोनों से आती है देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ का भी बटन दिया गया है। और यहाँ पर इस बाइक में किक भी मिल जाती है आपको, एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं इस प्रकार से लगता है देखने। सिंगल इस बाइक में आपको ग्रेबरेल देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है वो 11 लीटर की आती है। और 810mm का सीट हाइट इस बाइक में आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है यहाँ पर आपको 200mm का मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ये बाइक जो है आपको कम से कम 80 का माइलेज आपको निकाल के देगी हाईवे में, अगर आप इस बाइक को ठीक ठाक चलाते हैं तो। ये बाइक अगर आप लोकल में चलाते हैं तो आपको 70 का माइलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इस बाइक में आपको 102cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आपको यहां पर इंजन मिल जाता है, कार्बोरेटर वाला यहां पर इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्स पावर है दोस्तों 5.8 किलोवाट। और जिसका मैक्स टॉर्क है दोस्तों 8.0 Nm 5500 RPM पर काम करता है। पावर और टॉर्क ठीक ठाक है दोस्तों। और इस बाइक में सबसे बड़ी खास बात है कि ये बाइक आपको जो है कार्बोरेटर वाली बाइक आती है। यहां पर देख पा रहे हैं ये सारा सिस्टम देख पा रहे हैं, यहां पर आपको कार्बोरेटर मिल जाता है। ये बाइक में आप 1.5 लीटर 1 लीटर पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको जितना पेट्रोल मन करे आप डालिए और आसानी से लेकर के चल दीजिए। ये वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। 2024 की न्यू बाइक है दोस्तों, और 2024 का यहाँ पर न्यू अपडेट हमने आपको दिखाया है इस बाइक में। तो अब बात कर लेते हैं ये बाइक के प्राइस का दोस्तों। तो ये बाइक 68,102 रुपया इसका एक शोरूम प्राइस है। हमारे श्रीयांश बजाज दुमका में इस बाइक का जो है प्राइस है 68,102 रुपया इसका एक शोरूम प्राइस है। और इस बाइक को 75,000 रुपया में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस कम से कम 75,000 रुपया हो सकता है और 15,000 के डाउन पेमेंट में इस बाइक को आप ले जा सकते हैं। ये बाइक जो है हमारे दुमका में श्रीयांश बजाज दुमका शोरूम की है और वहाँ की ऑन रोड हमने आपको बताई है। प्लेटिना में आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाता है, यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर हॉर्न दोस्तों, हॉर्न बजा के दिखाते हैं, हॉर्न काफी लाउड है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये DRL का स्विच मिल जाता है।